प्रयागराज के नैनी सेंट्रल में पुलिस प्रशासन के अफसरों ने एक बार फिर छापेमारी की है। गोपनीय तरीके से की गई छापेमारी के दौरान अफसरों की टीम ने बाहुबली अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की सेल से चम्मच से बने 15 चाकू और कई लाइटर बरामद किए हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद नैनी सेंट्रल में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के लगातार छापेमारी की जा रही है। उसी कड़ी में रविवार की भोर में पुलिस और प्रशासन के अफसर छापेमारी करके बाहर निकले हैं। अफसरों की छापेमारी मुख्यतः अतीक अहमद के बेटे और उसके गुर्गों को जिन बैरकों में रखा गया है वहां की जांच पड़ताल करना था। अफसर इसे रूटीन चेकिंग बता रहे थे। हालांकि ये अफसर जेल के अंदर से मोबाइल के इस्तेमाल किए जाने की सूचना पर छापेमारी करने पहुंचे थे, लेकिन कई घंटों की पड़ताल के बाद भी पुलिस वालों को मोबाइल नहीं मिला। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल के अंदर लगातार मोबाइल के इस्तेमाल किए जाने की जानकारी पुलिस और एसटीएफ को मिल रही थी। इसके बाद रविवार की आधी रात को पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में अफसरों की टीम जेल में अचानक छापेमारी करने पहुंचे थे। पुलिस और प्रशासन के अफसरों की टीम ने शनिवार की आधी रात से लेकर रविवार की सुबह तक जेल के चप्पे चप्पे की जाँच पड़ताल की। इस दौरान अफसरों की टीम ने बाहुबली अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की हाई सिक्योरिटी वाले बैरक और उसके सेल की गहनता से जांच पड़ताल की। इसके साथ ही अफसरों की टीम ने अतीक अहमद के गैंग से जुड़े उन गुर्ग के बैरक की भी तलाशी ली। पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने के आरोप में जेल भेजा।